आज हम ऐसे दो बालवीरों के बलिदान की गाथा सुनने वाले हैं, जिसको सुनकर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी आंख नम ना हुई हो, शायद ही कोई ऐसा हो जिसका हृदय भर ना आया हो। हमारी मिट्टी को आजाद कराने के लिए हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों तक ने अपने लहू से सींचा है। क्या हमने हमारी स्वतंत्रता को इतना सस्ता मान रखा है कि हम इन बच्चों के बलिदान तक को भूलते चले हैं? कैसी होगी वह माँ जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जो मुगलों द्वारा जिंदा दीवार में चुनवा जाने जैसी बर्बरता को भी हंसते हंसते स्वीकार कर अपने प्राणों का बलिदान दे शहीद हो गए। चलो आज हम उनके शहीद दिन पर उनके बलिदान की गाथा को फिर से एक बार गाकर समाज तक पहुँचाए। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी अनंतपुर के किले में अपने 4 पुत्रों और परिवार के साथ रहते थे। जब मुगल आक्रांताओं की क्रूरता बर्बरता चरम पर थी, जबरन धर्मांतरण, स्त्रियों के साथ बलात्कार, धर्म स्थलों और मूर्तियों का विध्वंस जैसे अत्याचार आम थे, तब गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों से प्रजा का रक्षण करते थे। सन 1704 में औरंगजेब ने अनंतपुर किले को 1,000,000 की फौज के साथ घेर लिया। महीनों तक युद्ध चलने के बाद औरंगजेब ने धार्मिक चिन्हों की शपथ लेकर गुरु गोविंद सिंह को सुलह का संदेश भेजा और कहा कि अगर वह सुलह के लिए तैयार होकर किला खाली करके चले जाएंगे तो वह उनका पीछा नहीं करेगा और उन्हें कैद करने का प्रयत्न भी नहीं करेगा। महीनों के युद्ध के बाद किले में सैनिकों के लिए शस्त्रों की कमी हो गई थी और अनाज के भंडार भी खाली हो गए थे और ऐसी विकट परिस्थितियों में गुरु ने औरंगजेब के प्रस्ताव को मान्य रखा और गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब की बात पर विश्वास करके रात के समय अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ किला छोड़कर चलने लगे। पर औरंगजेब ने उसकी हमेशा की आदत की तरह धोखा देकर रास्ते में गुरु गोविंद सिंह जी और उनके काफिले करीब 40 सिखों पर हमला कर दिया और बहादुर सिखों ने उस अनअपेक्षित हमले का बहादुरी से प्रतिकार किया, जिसको चमकौर के युद्ध से भी जाना जाता है। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र 7 साल के फतेह सिंह और 9 साल के जोरावर सिंह उनकी दादी गुजरी कौर के साथ पिता और दूसरे भाइयों से अलग हो गए। अलग होकर जब 2 नन्हे साहबजादे उनकी दादी के साथ एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तब गंगू नाम का एक व्यक्ति जो पहले उनके किले में रसोईया था वह उन्हें मिला और गंगू उन तीनों को अपने घर ले जाने लगा। रास्ते में थोड़े बहुत आभूषण और रत्न जैसी मूल्यवान वस्तुओं को देखकर गंगू के मन में लालसा बढ़ी और उनको पाने के लिए वह योजनाएं बनाने लगा। उसने सोचा कि वह माता गुजरी और गुरु के 2 पुत्रों को मुगल सूबेदार को सौंप देगा तो उसको आभूषण और रत्नों के साथ साथ इनाम भी मिलेगा और उसने वही किया। मुगल सूबेदार को उन तीनों की उसके ही घर में होने की खबर दे दी। सन 1704 में दिसंबर महीने की 21 तारीख को माता गुजरी और 2 नन्हे साहबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मुगलों ने स्थानीय जेल में कैद किया और दूसरे दिन उनको सरहिंद के लिए भेजा गया। सन 1704 की दिसंबर महीने की 23 तारीख को नवाब वजीर खान जो चमकौर से वापस आया था उसके समक्ष पेश किया गया। वजीर खान ने भरी सभा में दोनों नन्हे राजकुमारों से इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए कहा और बदले में अपार धन, उच्च पद और सत्ता देने का वादा किया। पर वह इस्लाम कबूल करने के लिए मना करते हैं तो उनको मृत्युदंड की सजा देने का ऐलान किया। यह सुनकर दोनों बालक एक दूसरे के सामने देख मुस्कुराए और उसके प्रस्ताव को लताड़कर निडरता से वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह का नारा दरबार में जोर जोर से पुकारने लगे। उन दोनों को सोचने का मौका देकर वजीर खान ने उनको दूसरे दिन दरबार में पेश होने के लिए कहा और दूसरे दिन भी वही नारा वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह दरबार में गूंजने लगा और वजीर खान ने दोनों छोटे छोटे बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा देने का आदेश दिया। जब सारे शहर के सामने दोनों को दीवार में चुनवाना शुरू किया तब वजीर खान ने फिर उनको इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया और तब भी दोनों बहादुर बच्चे निर्भय होकर और जोर से वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह के नारे लगाते रहे। सन 1704 दिसंबर महीने की 26 तारीख को सारे शहर के सामने इस्लाम कबूल न करने पर 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, परंतु दोनों निडर बच्चे
वाहे गुरु जी का नारा लगाते धर्म की अंत तक रक्षा करते रहे। दादी गुजरी कौर, जिनका दोनों के संस्कार पालन में बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने भी जेल में प्राण त्याग दिए। दोनों छोटे छोटे बच्चे जिंदा दीवार में चुनवाए जाने के बाद जब बेहोश होकर गिरे, तब भी वजीर खान का हृदय नहीं पिघला। बच्चों को छोड़ देने की बात तो दूर, उसने दोनों बच्चों के गले काट कर हत्या करने का आदेश दिया। और दोनों वीर महज 7 और 9 साल की छोटी सी उम्र में धर्म रक्षा के लिए शहीद हुए। पर लोगों को धर्म रक्षा के लिए लड़ने के लिए जगा कर गए। एक टोडरमल धनी व्यापारी ने वह बलिदान की जगह को खरीद कर तीनों के अंतिम संस्कार की और आज उस जगह को फतेहगढ़ साहिब से जाना जाता है। आज भी हर साल 25 से 28 दिसंबर को बाल वीरों के बलिदान को याद कर धार्मिक संगम का आयोजन किया जाता है। महज 7 और 9 साल के बच्चों में ऐसी खुमारी, हिम्मत, निडरता और धर्म के लिए सम्मान देखकर आंख में आंसू के साथ सीना भी गर्व से भर जाता है। धन्य है वह माता पिता और गुरु जिन्होंने ऐसे वीर हिंदुस्तान को दिए। देश के इतिहास के ऐसे वीर बच्चों का नाम क्या हमारे बच्चों के मुख पर नहीं रहना चाहिए? भारत के तो कण कण में ही है शहीदी का लहू और बच्चों तक का लहू इसमें शामिल है। गर्व है हमें हमारी इस भारत भूमि पर।